हे गाइस, अभी हम हैं चंपावत में। आज हमारी राइड का फाइनल डे है। अब वापसी हो रही है चंपावत से दिल्ली। 438 समथिंग किलोमीटर दिखा रहा है गूगल भाई। 10 to 12 आवर हमें घर पे पहुंचने में लगेंगे। 5:40 हो गए हैं और निकलते निकलते 6 बज जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम 6 बजे तक अपने घर होंगे। तो ये लास्ट जो 12 आवर्स की जर्नी है, हमारे साथ बने रहना और फुल सपोर्ट करना, लाइक करना, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब करना और आखिर तक देखना। बहुत एंजॉय होगा और पूरी जर्नी आपको अच्छी लगेगी। तो बस ये हमने रूम लिया था चंपावत में 1500 रुपये में। ये दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे ज़्यादा मुझे तो ऑप्शन दिखी नहीं होटल के। और लोहा घाट है जो नीचे इससे पहले छोड़ के आए हैं, उसमें ज़्यादा ऑप्शन थी। तो कभी रुकना हो तो लोहा घाट रुको, यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है होटल की। बस निकलते हैं। दोनों भाई तो जा चुके हैं अपना सामान लेके, मैं भी निकलता हूँ। बाइक पे मिलते हैं जब रोशनी हो जाएगी। तो गए हम थे होटल गणपति पैलेस चंपावत, और अब रोशनी हो चुकी है लेकिन फॉग है और ठंड भी है। तो अभी तो काफ़ी माउंटेन को क्रॉस करना है और उसके बाद प्लेन्स आएगा। प्लेन्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ माउंटेन्स में है थोड़ा स्पीड नहीं बनती। पूरे 6 बज चुके हैं, हम निकलते निकलते 6 बज गए हमने, जबकि 4:30 बजे हम उठ गए थे। अभी हम हैं चंपावत में और जा रहे हैं दिल्ली। आज हमारी राइड का फाइनल डे है। हम चले थे 29 शाम को और आज हो गई है 8 तारीख संडे। शुक्रवार शाम को चले थे तो काफ़ी लंबी राइड होगी हमारी। हमारी जर्नी आपको कैसी लगी एक कमेंट ज़रूर करना। आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सी जर्नी वीडियो अच्छी लगी ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना। और जो जो भाई हमसे मिले हैं इस टूर में, बहुत ही अच्छा लगा, नए नए दोस्त बने, मज़ा आ गया। ट्रैवलिंग का यही मज़ा है, नए नए दोस्त बनते हैं, नए नए लोग मिलते हैं। मौसम पूरा खुल गया है, ऊपर तो काफ़ी फॉग थी और इस समय मौसम पूरा खुल गया है। और हमें 20-22 मिनट हो गए हैं राइड करते हुए और माउंटेन से बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। पिथौरगढ़ से जो हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और अभी तक उतर ही रहे हैं। काफ़ी हाइट पे है पिथौरागढ़, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे माउंटेन के। मुंशियारी से ही उतर रहे हैं ऑलमोस्ट। मुंशियारी सबसे हाइट पे है और उसके बाद हम नीचे पे नीचे आए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ तक तो ऊपर नीचे चल रहा था लेकिन पिथौरागढ़ के बाद तो बिल्कुल नीचे चल रहा है। पता नहीं क्या, बहुत ज़्यादा कीचड़ था यहाँ तो। कार के लिए दिक्कत है क्योंकि ट्रकों ने बहुत ज़्यादा गड्ढे बना दिए, पैर भी पूरे कीचड़ वाले हो गए। 6:42 हो गए हैं और ये देखिए कितना खतरनाक व्यू है यार, इतनी बड़ी नदी और सूर्य देवता जी प्रकट हो गए हैं। पहाड़ों से निकल आए हैं सूर्य देवता और अपनी गर्मी को अब बिखेरेंगे धीरे धीरे। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है ठंडा ठंडा मौसम है, और ठंडे ठंडे मौसम में बाइकिंग करने का बहुत ही बढ़िया मज़ा है। ज़्यादा ठंड भी नहीं हो ना ज़्यादा गर्मी हो, ऐसा प्लेजेंट मौसम होना चाहिए बस। गर्मी में तो पसीने छूट जाते हैं। एक तो हमारी जैकेट होती है इतनी 25-25 किलो की जैकेट है, राइडिंग पैंट जैकेट, उसकी वजह से तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। चंपावत से 1 आवर के डिस्टेंस पे ये कोई गांव है। यहाँ पे पुलिस वाले ने रात को हमें मना कर दिया था कि मत जाना वहाँ पे, रात को टाइगर निकलते हैं, शेर, लेपर्ड, शेर आते सड़क पे आ जाते हैं और झपट्टा मारते हैं। तो उस वजह से भी हमने रात को वहीं पे स्टे किया। ये एरिया बहुत ही जंगल भरा है और टक्कनपुर यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर 11-12 किलोमीटर रह गया है, तो यहाँ पे टाइगर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पुलिस वाले ने यही बोला था कि यहाँ से टक्कनपुर के बीच जो भी जंगल है वहाँ पे रात को ख़तरा होता है।
देखो टाइगर टाइगर बना हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइगर आता है। वो पास में ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो वहाँ से आते होंगे। बहुत ही अच्छा पैच है ये वाला जंगल वाला। तो पहाड़ी क्षेत्र समाप्त हो गया है और अब प्लेन्स शुरू हो गया है। तो आई थिंक ये खाटीमा का टोल रोड है, और टोल रोड हमें मिल गया है जहाँ पे बाइक मस्ती से चलाएंगे। और माउंटेन को हमने क्रॉस कर दिया है। टकनपुर जो है प्लेन्स में आता है। सुबह 76 किलोमीटर हमने माउंटेन में बाइक चलाई है। तो मेरे तो अभी 3 पॉइंट हैं, 100 किलोमीटर चल सकती है बाइक, लेकिन पेट्रोल फिल करवा लेते हैं। तो गाइस अभी हम हैं इच्छा रुद्रपुर से 30-35 किलोमीटर पहले, और यहाँ पे हमने टी ब्रेक लिया है। और यहाँ पे मनोज भाई अब हमारे से अलग हो रहे हैं, 8-9 दिन हमारे साथ टूर पे रहे हैं, और बहुत बहुत थैंक यू है इनका, क्योंकि इनकी वजह से मेरा केदारनाथ हुआ है। क्योंकि काफ़ी 4-5 सालों से मैं सोच रहा था केदारनाथ जाना है, तो हमने सभी ने मिलके 6 लोगों ने प्लान बनाया था केदारनाथ जाने का, जिसमें से 4 लोग आ गए हैं, 2 लोग गोली कर गए थे। लेकिन मनोज भाई की वजह से हम 6 लोग हो गए थे, इनके 2 फ्रेंड के बच्चे आ गए थे ना, कौन थे वो, भांजे थे, हाँ भांजे आ गए थे, तो वो भी बहुत बढ़िया थे रहा उनके साथ भी। 6 लोग ने बनाया था, और 6 लोग ने ही पूरा अमन है केदारनाथ पूरा किया था। तो मनोज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत दिल से शुक्रिया इसका भाई का, दिल नहीं कर रहा। तो यहाँ से अलग होना पड़ेगा, और ये जाएंगे अपना लखनऊ, 350 किलोमीटर इनका है, और 290 300 के आसपास अपना है, 270 मेरा है, और 300 सुरेंद्र भाई का है हमारे। तो दिल पे पत्थर रखते हुए और मनोज भाई की एक और है कि इन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा, ये किसानी करते हैं, लेकिन बाइकिंग का जो पैशन कीड़ा था वो हमेशा जिंदा रखा, जगा दिया, और इस उम्र में आगे हमारे साथ बाइकिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही इंस्पिरेशन है सभी के लिए कि इस मतलब की स्टेज पे आके ये बाइकिंग कर रहे हैं, ग्रेट है यार मनोज भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो मनोज जी बाय। मनोज जी जा रहे हैं बरेली की तरफ, हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, ये जाएंगे लखनऊ। तो मंगलम टी स्टॉल बहुत ही बढ़िया चाय है कुल्हड़ वाली, मज़ा आ गया इसके, ब्रेड बंद मक्खन बंद, बहुत बढ़िया शॉप है। टी ब्रेक के बाद हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे दिल्ली के, और रुद्रपुर आएगा स्टार्टिंग में। ये भाई को कीड़ा काट गया है रेस लगाने का। तो गाइस हम आ गए हैं गढ़ गंगा, तो ये नीचे गंगा बह रही है, और ये ब्रिज है गढ़ गंगा का। तो 11:13 पे हम पहुंच गए हैं गढ़ गंगा, और यहाँ से 2 या 2.5 घंटे मैक्सिमम, क्योंकि 94 रह गया दिल्ली, तो 2-3 घंटे में हम 3 घंटे तो मैक्सिमम में पहुंच जाएंगे आराम से, 11-12-1 बजे तक। जैन शिकंजी फूड एंड रेस्टोरेंट, असली जैन शिकंजी वाले। तो यहाँ हमने लिया है एक ड्रिंक ब्रेक जैन शिकंजी। गाइस हम हैं अभी गढ़गंगा के पास जैन शिकंजी, और यहाँ पे अभी एक शिकंजी पी है और पनीर के पकौड़े खाए हैं, स्नैक्स वगैरह, पेट फुल हो गया है। और 12 बज गए हैं, और 95 किलोमीटर मेरा घर दिखा रहा है, वो 2 आवर 20 मिनट्स वाया ये लेके जाएगा अपना अक्षरधाम होते हुए दोदा कुआँ, और फिर कैंट होते हुए अपना अपने घर के पास। तो यहीं पे हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं,
और आज तक का जितना सफ़र था आपको कैसा लगा कमेंट करना, और हमारी यात्रा कैसी लगी ये भी बताना, लिखना ज़रूर, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमारे को। और कोई भी क्वारी हो किसी भी होटल के बारे में, कोई भी खाना पीने के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है jart_on_wheel। यहाँ से हम विदा लेते हैं, तो अंत में दोस्तों राइड हार्ड, राइड से वंदे मातरम एंड जय।